जय श्री माता जी। समस्त ध्यान यात्रियों को इस चेतना का सादर नमन। शुभारंभ होने जा रहा है आज की ध्यान यात्रा का। समस्त यात्रियों से निवेदन है अपने अपने यंत्रों को इस यात्रा के लिए तैयार कर लें। इस यात्रा पर चलने वाले समस्त सहयोगियों को आमंत्रित कर लें। जैसे मन, चित्त, जागृति, चेतना, वे समस्त संवेदन इंद्रियों को अपने हृदय में आमंत्रित कर लें, जहां पर अनादि काल से श्रीमा हम सब की चेतनाओं की प्रतीक्षा करती हैं। श्रीमा के श्री चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। उनके श्री चरणों से प्रवाहित होने वाली प्रेम ऊर्जा को अपने सहस्त्रार के माध्यम से अपने यंत्र में आत्मसात करेंगे। ध्यानस्थ मुद्रा में बैठकर मिनट दो मिनट के लिए इस अमृत का रसपान करेंगे।
सहस्त्रार के माध्यम से अपने यंत्र में अवतरित होने वाली विभिन्न ऊर्जा धाराओं की प्रतिक्रियाओं को अपने यंत्र में विभिन्न स्थानों पर आत्मसात करेंगे। इस क्षण सबसे ज्यादा ऊर्जा की प्रतिक्रिया हमारे सहस्त्रार हमारी विशुद्धि में हमारे हमसा में और मध्य हृदय में घटित हो रही है। यानी इन चारों स्थानों के देवी देवता निराकारा मां आदि शक्ति की शक्ति को अपने सानिध्य में पाकर अत्यंत प्रसन्न है। हम भी इन चारों स्थानों पर उपस्थित समस्त देवी देवताओं की प्रसन्नता में कुछ देर तक शरीक रहेंगे, यानी इन चारों स्थानों पर ही अपनी चेतना को चित्त को बनाए रखेंगे।
इन चारों स्थानों की ऊर्जा को आत्मसात करते करते हम विचार रहित अवस्था में उतरते जाएंगे। ना कुछ सोचें, ना किसी चीज का विश्लेषण करेंगे और ना ही किसी चीज पर विचार करेंगे। पूर्णतया विचार रहित अवस्था और इन चारों स्थानों पर थिरकती हुई परमेश्वरी की निराकार ऊर्जा और इन सब के सानिध्य का आनंद उठाता हुआ हमारा आंतरिक अस्तित्व महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंतःकरण में शनै शनै शून्यता अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ कर चुकी है। हमारी चेतना इस शून्यता में धीरे धीरे विलीन हो रही है।
हमारा समूचा अस्तित्व अस्तित्व विहीनता के आवरण में समा चुका है। ओम शून्यता की शांति में अब हम आवाहन करने जा रहे हैं साक्षात श्री महाकाली का अपने ही अस्तित्व में जब जब धरा पर राक्षसों का प्रभाव बढ़ा है शैतानी शक्तियों का बोलबाला बढ़ा है नकारात्मकताओं की काली छाया ने जब जब इस वसुंधरा को अपने चंगुल में लिया है तब तब श्री महाकाली ने अपने रौद्र रूप में समस्त राक्षसों शैतानों और दुष्टों का मर्दन किया है। यह काल फिर दोबारा हमारी धरा पर उपस्थित हो रहा है। चारों ओर राक्षसों का साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है। राक्षसी कुकृतियों के कारण आज मानवता चीत्कार कर रही है किसी ना किसी रूप में भोले भाले निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। इन सब का संहार करने के लिए हमको श्री महाकाली का आवाहन करना ही होगा। पूर्ण हृदय श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ
अपने अस्तित्व में हम श्री महाकाली का आवाहन करते हैं, अपने ही अस्तित्व में उनको हम आमंत्रित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं मानवता की रक्षा करने के लिए। हे माँ, आपको जागना ही होगा, हम आपके बच्चे हृदय से पुकारते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। माँ, मानवता के हत्यारे महादुष्टों, शैतानों, राक्षसों का संहार कीजिए। मिनट दो मिनट तक आभासित करेंगे श्री महाकाली अपने रौद्र रूप में हमारे ही भीतर में जागृत हो रही है। पूरा फोकस श्री महाकाली पर रखेंगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली, नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली, नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली, नमो नमः। महसूस करें महाकाली निराकार अवस्था में हमारे भीतर में जैसे जैसे जागृत होती जाएंगी, वैसे वैसे हमारे यंत्र में ऊर्जा की तीव्रता हमको अनुभव होने लगेगी। शून्यता में बने रहें और महाकाली को अपने भीतर में आभासित करते रहें।
अब अपने चित्त में उन समस्त राक्षसों को ले आए जो हमारे देश को निरंतर बर्बाद करते चले आ रहे हैं। हजारों लोगों को मरने पर मजबूर कर रहे हैं। लाखों लोग इन महादुष्टों के कारण भूखे मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। इन दुष्टों ने कोरोना के नाम पे हजारों लोगों के मानव अंगों को निकाल दिया है, उनकी हत्याएं कर दी हैं। इन महादुष्टों ने षड्यंत्र कर करके हमारे देश को आर्थिक रूप से जर्र कर दिया है। ऐसे सभी दैत्यों को, पापियों को, शैतानों को अपने चित्त में लाएंगे। और श्री महाकाली को इनकी ओर इंगित करेंगे, अपने हृदय की भावनाओं से, अनुभूति से मां से प्रार्थना करेंगे, मां इन सभी का संहार कर दीजिए और अपने हृदय में भी इन लोभियों के प्रति क्रोध की धधकती ज्वालाओं को अनुभव करेंगे। और महसूस करेंगे मानो यह ज्वालाएं हमारे हृदय से इन राक्षसों की ओर बढ़ रही है। महसूस करेंगे श्री महाकाली ने भी अपना संहार का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उनकी खड़ग सारे के सारे राक्षसों का मस्तक काटती जा रही है।
अब महसूस करेंगे अपनी चेतना को अपने तृतीय नेत्र के स्थान पे। और श्री कल्कि का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे श्री कल्कि, हमारे फाल पर अवतरित हो जाइए। हमारी आपसे प्रार्थना है, इस धरा को निगलने वाली समस्त दुष्ट शक्तियों को नष्ट कर दीजिए। श्री कल्कि एक सामूहिक अवतरण है जो ऊर्जा के रूप में अपनी उपस्थिति हमारे तृतीय नेत्र के स्थान पर दर्ज कराते हैं। पूर्ण निष्ठा, लगन, एकाग्रता के साथ अपने तृतीय नेत्र के स्थान पर हम अपनी चेतना को केंद्रित करेंगे। और ऊर्जा को इस स्थान पर अनुभव करेंगे। जैसे जैसे श्री कल्कि सक्रिय होते जाएंगे, वैसे वैसे इस स्थान पर ऊर्जा की आवृत्ति व घनत्व में वृद्धि होती जाएगी। 1.5 मिनट के लिए इसी स्थान पर एकाग्रचित होकर शून्यता की अवस्था में हम श्री कल्कि को अनुभव करेंगे। श्री कल्कि नमो नमः। ओम 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 श्री कल्कि नमो नमः।
महसूस कर सकते हैं तिरते नेत्र के स्थान पर खिंचाव होना प्रारंभ हो गया है। श्री कल्की का हृदय में निरंतर स्मरण करते रहें। और अब पुनः उन सभी महादुष्टों को एक बार फिर अपने चित्त में लाएंगे। उन सभी की शक्लों को एक बार फिर से हम अपने चित्त में दोहराएंगे। जितने भी महादुष्ट इस विश्व में मौजूद हैं, जो आप सभी की जानकारी में हैं, भारत के अतिरिक्त उनको भी हम अपने चित्त में लेके आएंगे। उनकी शक्लों को, उनके अस्तित्व को, एक डेढ़ मिनट के लिए इन सभी राक्षसों को अपने चित्त में एकत्रित करेंगे। जितने भी हमारे देश के गद्दार हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बहुत बड़े व्यापारी हो, चाहे नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, जो भी हमारे देश को डुबोने में सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को अपने आज्ञा के टारगेट पे लाएंगे।
देखिए जैसे जैसे हम इन महादुष्टों पर अटेंशन ढाल रहे हैं, वैसे वैसे हमारे हाथ आग उगलने लगे हैं। हमारी हथेलियों से तपन बाहर निकलने लग रही है। कान गरम हो रहे हैं। सबको इकट्ठे करते जाएं। इन सबको आज श्री कल्कि के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। और हम महसूस करेंगे हमारे तृतीय नेत्र से विध्वंसकारी ऊर्जा रूपी अग्नि की लपटें निकलना प्रारंभ हो गई हैं और इन सारे महादुष्टों के वजूदों को भस्म करने को आतुर हो रही हैं। दो तीन मिनट तक हम इस प्रक्रिया में संलग्न रहेंगे। हमारे तीर्थ नेत्र की ज्वालाओं में इन सभी राक्षसों के अस्तित्व भस्म होंगे। इस प्रक्रिया के साथ साथ सचेत होकर यह भी अपने यंत्र में महसूस कीजिएगा कि जैसे जैसे यह प्रक्रिया घटित हो रही है, इस प्रक्रिया पर हमारा यंत्र किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहा है। एक एक करके सभी को जला डालिए, नष्ट कर दीजिए। आज इन सारे राक्षसों का दहन हो रहा है। इस दौर के बाद जब भी व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान में बैठें, 5-7 मिनट के लिए इस प्रक्रिया को फिर दोहराएं। धीरे धीरे ये महादुष्ट नष्ट होना
प्रारंभ कर देंगे और एक दिन आएगा जब हमारी भारत माता इन सब से मुक्त हो जाएगी। एक बार राक्षसों का संहार हुआ था श्री राम के द्वारा त्रेता युग में, उसके बाद संहार हुआ श्री कृष्ण के जरिए द्वापर में, और आज अब इस काल में, इस कलयुग में संहार हो रहा है। श्री मां के बच्चों के माध्यम से यह तीसरा संहार है इन राक्षसों का। यह संहार भी कई दिन तक चलने वाला है और हमें नित्य 5 मिनट के लिए इस संहार की प्रक्रिया से गुजरना है। हम संख्या में काफी कम हैं, किंतु श्रीमान ने हम सबको सक्षम बनाया है। संख्या कम है तो कुछ ज्यादा दिन लगेंगे, जो भी श्री मां के बच्चे पूर्ण रूप से डिटैच हो चुके हैं उनके जरिए श्री कल्कि की शक्तियां अत्यंत तीव्रता से कार्य करेंगी। जो डिटैचमेंट की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं निश्चिंत रहें, यह कार्य उनसे भी कुछ ना कुछ बनता रहेगा। लेकिन जो डिटैच नहीं होना चाहते हैं, कृपया इस प्रक्रिया में शामिल ही ना हो, क्योंकि यह प्रक्रिया उनके माध्यम से घटित ही नहीं होगी। इस चेतना का हृदय कहता है, पूरे विश्व में यदि ऐसे 21 बालक भी तैयार हो जाएं, तो भी बहुत कार्य संपन्न हो सकता है। काश ऐसे बालक 1000 या उससे ज्यादा हो जाएं, तो ये बहुत तीव्रता से कार्य होगा, क्योंकि श्री मां की 1000 की 1000 संहारक शक्तियां उन बालकों के माध्यम से सक्रिय हो जाएंगी। हमको नहीं मालूम अभी कितने ऐसे बालक होंगे इस धरा पर, किंतु हमें यह जानने की भी आवश्यकता नहीं, बस
हमें स्वयं की ओर देखना है और देखना है कि हम अभी भी कितने अटैच हैं, और यदि हैं तो गहन ध्यान में उतरकर धीरे धीरे स्वयं को डिटैच करना होगा। यदि हम सबके भीतर में श्री माँ का बालक बनने की तीव्र अभिलाषा है तो हमारी प्राथमिकता ही डिटैचमेंट होगी, अपने अंदर झांक के देखेंगे हम और प्रश्न करेंगे, क्या हम श्री बालक वास्तव में बनना चाहते हैं? तभी इस प्रकार के सूक्ष्म कार्य हो पाएंगे। वहीं पर फोकस रखें, अभी भी ये भस्म करने की प्रक्रिया अभी जारी है। और अब अपने चित्त में, अपने देश में उपस्थित समस्त अंध भक्तों को लाएंगे जो इन महादुष्टों का निरंतर किसी ना किसी रूप में जाने अनजाने में सहयोग कर रहे हैं। इन राक्षसों को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरी चेतना को भारत में रहने वाले समस्त अंध भक्तों पर केंद्रित करेंगे। और अपने चित्त को इन सभी के सहस्त्रार और मध्य हृदय पे टिका देंगे और श्री ऊर्जा को अपने मध्य हृदय से इनके हृदय में प्रवाहित करेंगे। 1.5-2 मिनट तक
और अब इनके आज्ञा पर फोकस करेंगे और मध्य हृदय की ऊर्जा को चित्त के माध्यम से इनके आज्ञा में प्रवाहित करेंगे। और हृदय में भाव रखेंगे, श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, हे श्री माँ, ये अंधभक्त अज्ञानता में अपने स्वयं का अहित करने को तत्पर हो रहे हैं, श्री माँ, इन सब के भीतर में विवेक को जगा दीजिए माँ, ताकि सही गलत का फैसला कर सकें और इस पाप में भागी बनने से बच सकें। यदि यह परिवर्तित नहीं हुए तो कुछ समय बाद इनके लिए भी संहार प्रक्रिया करनी होगी। जब किसी खेत में लहलाती फसल उगी हो और खरपतवार बढ़ जाएं, तो किसान को फसल बचाने के लिए खरपतवारों को नष्ट करना ही पड़ता है। सीमा, आपसे प्रार्थना है, इन लोगों के लिए ऐसा कार्य ना ही करना पड़े तो अच्छा है। हफ्ते 2 हफ्ते हम सभी अपने व्यक्तिगत ध्यान में इन अंध भक्तों के हृदय से सहस्त्रार व आज्ञा पर भी कार्य करते रहेंगे और 3 सप्ताह के बाद यह एलिमिनेशन प्रोसेस करना होगा। मजबूरी है, भावनात्मक रूप से पीड़ा हो सकती है, पर सत्य की रक्षा करने के लिए यह कठोर कार्य करना ही होगा। जरा देखिए, यह जो अभी बोला गया, इसकी प्रतिक्रिया कितनी तीव्र सहस्त्रार मध्य हृदय विशुद्धि हमसा में घटित हो रही है। कितनी तीव्र ऊर्जा इस वक्त इन चारों स्थानों में
बढ़ गई है। कुछ देर तक इस बढ़ी हुई ऊर्जा का हम आनंद लेंगे, इसे आत्मसात करेंगे। इन अंध भक्तों को शब्दों में समझाने का समय समाप्त हो चुका है। देखिए फिर कितनी तीव्र ऊर्जा भरी परमेश्वरी शक्तियां किस प्रकार से कार्य करेंगी, ये तो हम नहीं जानते, किंतु हमारे हृदय में जो प्रेरणा आ रही है, स्वतः ही हम तो केवल उसको अनुभव कर सकते हैं। अब अपनी चेतना को हम श्री पार ब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में कुछ देर के लिए स्थित कर देंगे और यहां पर स्थित अवर्णीय मौन का कुछ मिनट तक लुत्फ उठाएंगे।
इसी के साथ यह कार्यशाला का चरण संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। जय श्री माता जी।